खबर है करनाल की, जहां जिला प्रशासन एवं नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे पॉलिथीन उन्मूलन अभियान के अंतर्गत पुरानी सब्जी मंडी में खड़े रेहड़ी फड़ी वालों पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा छापेमारी की गई एवं उनका पॉलिथीन भी जब्त किया गया। गौरतलब है कि नगर निगम की ओर से करनाल नगर निगम क्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। दुकानों पर जाकर नगर निगम के अधिकारी चेकिंग करते हैं और प्लास्टिक व पॉलिथीन का प्रयोग करने वाले दुकानदारों के चालान भी काटे जाते हैं और उनकी दुकान पर मिला पॉलिथीन जब्त किया जाता है। नगर निगम के अधिकारियों ने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा है कि शहर को साफ सुथरा और पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए सहयोग दें एवं नगर निगम द्वारा निर्धारित मक्का से बने पॉलिथीन के बैग ही प्रयोग करें। उन्होंने लोगों से भी यह कहा कि अगर दुकानदार मक्का से बने पॉलिथीन महंगे होने के कारण ग्राहक को देने में असमर्थ है तो ग्राहक अपने साथ कपड़े से बना थैला लेकर आए, जिससे कि दुकानदार और ग्राहक दोनों को सामान लेने और देने में आसानी हो और सरकार द्वारा चलाई जा रही पॉलिथीन उन्मूलन की मुहिम आगे बढ़ सके, इसके साथ साथ समाज स्वस्थ और पॉलिथीन रहित बन सके। इस अवसर पर रेहड़ी फड़ी वालों में भगदड़ का माहौल व्याप्त रहा। आपने आज कितना पॉलिथीन पकड़ा? देखो जी, ये पॉलिथीन जो भी आपके सामने है, इतना पॉलिथीन है, ये बार बार इनको मना करने पर, बार बार चालान काटने पर भी ये नहीं मान रहे हैं, उसके बाद भी पॉलिथीन दे सकते हो आप। ये चीज जो हमने जब्त किया है, ये पॉलिथीन आपके सामने, क्या अभियान चला जा रहा है? ये अभियान आप रोज चला रहे हैं आज? बिल्कुल जी, ये रोज डेली चलता है पॉलिथीन का अभियान, पूरे शहर से हम पॉलिथीन खत्म कर रहे हैं, जितना हो उसके पूरा रोज डेली कार्रवाई होती है और पॉलिथीन उठाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा चलान भी काटे जाते हैं और अवेयरनेस भी इनमें फैलाई जाती है कि ये पॉलिथीन ना यूज करें, जो भी कंपोस्टेबल बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन है वो यूज किया जाए। ये हम बहुत अवेयरनेस फैलाते हैं। ये नगर निगम की ओर से चलाया जा रहा है? बिल्कुल जी, ये नगर निगम की ओर से चलाया जा रहा है। कहाँ कहाँ जाएंगे आज आप लोग? अभी उसके बारे में ये है, अभी फिलहाल यहाँ कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग जैसे भी होगी वो करते रहेंगे। यहाँ से कितना पॉलिथीन मिला? इनके पास से करीबन अभी 7 किलो पॉलिथीन मिला है। इनको हम एक बार नहीं, अभी एक घंटे बाद दोबारा भी आ जाएंगे, इतना फिर से मिल जाएगा। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या कार्रवाई की जाएगी? देखो, कार्रवाई अभी ये लोग भाग जाते हैं, अब इनका दिन में 4 बार अगर नुकसान हुआ तो 4 बार उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? बहुत को एक दो को हम जो है फिर भी अब भी इंटीमेशन देने के बाद चलान की जैसी जरूरत रहेगी उसी प्रकार से चलान भी काटे जाएंगे सबूत के साथ, क्योंकि 2 मिनट में लोग मुकर भी जाते हैं और मुकरने के बाद फिर हम जो हमारे पास कोई चारा रहता नहीं हो, लेकिन फिर भी ये लोग अब नहीं मानेंगे, बाद में मानेंगे, मानना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से, अपील क्या करेंगे लोगों से? हम पिछले 1 साल से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं और अब भी हाथ ही जोड़ के अपील लग रहे करने, भाई आप लोग जो है कागज के या दूसरे कपड़े के थैले वो इस्तेमाल करें और आम आदमी भी अपने घरों से या कपड़े का थैला लेकर के आए। बिल्कुल, कपड़े का थैला ही घर से लेकर के आए, क्या जरूरत है पॉलिथीन की? जरूरत ही नहीं है। आप दूसरा भी जो महंगा पड़ता है वो भी ना ले आओ, किसने कहा पॉलिथीन का? आप थैले भी आओ। तो दुकानदारों को मना कर, दुकानदारों ने मना करना शुरू कर दिया, रेडी वालों ने मना करना शुरू कर दिया है। ग्राहक अपने घर से लेके आते हैं, शाम की जो मंडी होती है हमारे एक मंडी में जा रहे और मंडी में भी लोग थैले लेकर के आ रहे हैं, 80% फर्क पड़ गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।